हेलो, मैं सब्सक्राइब करें गवर्नमेंट जॉब इंडिया चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, इसी तरह के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट रिक्रूटमेंट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने एक अनाउंसमेंट किया है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बोल दूंगा, पोस्ट क्या क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, आप बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन हु फुलफिल द फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन एज ऑन 1 मार्च 2018 फॉर प्रिपरेशन ऑफ सेपरेट पैनल्स फॉर फिलिंग अप 65 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट अटेंडेंट एंड 13 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ चैम्बर अटेंडेंट प्लेस्ड इन लेवल 3 ऑफ पे मैट्रिक्स विद इनिशियल बेसिक 21,000 प्लस यूजुअल अलाउंसेस एज एडमिसेबल अंडर द रूल्स। 21,000 सैलरी रहेगा आपका, प्लस आपका अलाउंसेस रहेगा। द अप्रोक्सीमेट ग्रोथ सैलरी एज पर एग्जिस्टिंग रेट ऑफ अलाउंस इंक्लूडिंग HRA टोटल होगा आपका, अप्रोक्स सैलरी होगा आपका पर मंथ 33,315। अगर मैं नीचे जाऊँ, यहाँ पे देख सकते हो आप, द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज इंक्रीज और डिक्रीज, ये जितनी भी वैकेंसीज है टेंटेटिव है और ये चेंज भी हो सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। यहाँ पे देख सकते हो आप, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10 स्टैंडर्ड 10 पास होना चाहिए, एग्जामिनेशन कंडक्ट बाई एनी बोर्ड और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाई द गवर्नमेंट, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू मल्टी स्किल्ड ट्रेंड पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस of driving motor vehicle having valid commercial driving license to drive LMB HMB preference रहेगा आपके पास, अगर driving license है LMB HMB की का या फिर cooking electrical या carpentry job का for the post of junior court attendant के लिए and experience of housekeeping work, housekeeping work का अगर आपके पास experience है तो preference first preference रहेगा। अगर मैं नीचे जाऊँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे age requirement, candidate should not be बिलो 18 ईयर्स, 18 ईयर्स के नीचे नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 27 ईयर्स होना चाहिए। और रिलैक्सेशन है आपका SC ST के लिए जो भी रहता है नॉर्मली वो आपको मिलेगा। नीचे अगर मैं जाऊँ, रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, रिजर्वेशन डिटेल्स, रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और फिजिकल चैलेंज एंड एक्स सर्विसमैन शैल बी अकॉर्डिंग विद द रूल्स, जो भी रूल्स आता है एज रिलैक्सेशन का, रिजर्वेशन का, वो आपको रूल्स के हिसाब से आपको मिलेगा। अगर मैं नीचे जाऊँ यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन देख सकते हो आप, सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट होगा बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी में रहेगा। एज पर डिटेल्स गिवन बिलो द ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट विल बी 1.5 घंटे का रहेगा, 1.5 आवर्स का। यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के ऊपर रहेगा 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के ऊपर रहेगा 25, जनरल इंग्लिश में रहेगा 25 और जनरल अवेयरनेस के ऊपर रहेगा 25। बाकी यहाँ पे कुछ डिटेल दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेना पूरा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फी एंड एप्लीकेशन एंड पेमेंट फी, यहाँ पे पेमेंट है आप लोग देख सकते हो, एप्लीकेशन है 300 रुपीज, जनरल लोगों के लिए है, अनरिजर्व लोगों के लिए, और 150 है SC ST फिजिकल बाकी कैटेगरी के लिए है। अगर मैं नीचे जाऊँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपका द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट थ्रू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ओनली विच लाइकली टू स्टार्ट फ्रॉम 21 मार्च से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट है इसका 15 अप्रैल 2018 तक। यहाँ पे स्टार्टिंग होगा 21 मार्च हो चुका है इसका स्टार्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन का और 15 अप्रैल का लास्ट डेट है। अगर नीचे में जाओ यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेना पूरा। और यहाँ पे और भी कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप लोग अच्छा से पढ़ लेना। तो बस इतना ही है, आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से जो है जाके आप लोग पूरा डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हो, और अगर आप एलिजिबल हो एंड इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर वीडियो लाता रहूँगा।
तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।